राधे राधे सभी को। मैं अंजू गुप्ता सखी आपकी अंजू चैनल से आज पहली बार आपसे बातें करने का मौका लगा है, वो भी स्वास्थ्य संबंधी। मैं आपको आज प्राकृतिक चिकित्सा बस्सी धाम के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि जयपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। आज की जीवन शैली बहुत व्यस्त एक एवं भागदौड़ भरी होती जा रही है। प्रदूषित वातावरण, पोल्यूशन, इसके चलते बीमारियों का प्रकोप कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि एलोपैथी में इसका पूर्णतः इलाज नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ समय प्रकृति के साथ व्यतीत करें। इसके लिए हमें नवनीत चिकित्सालय धाम की तरफ चलना है, जो कि आगरा रोड पर, जयपुर से आगरा रोड पर 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलो बस्सी धाम चलते हैं। अभी हम जयपुर से आ रहे हैं नवनीत प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। ये जयपुर से 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की हरियाली, यहाँ का सुरम्य वातावरण देखते ही बनता है। ये है इसका मेन गेट है। यहाँ हमेशा चौकीदार की व्यवस्था रहती है। गेट में एंट्री के बाद हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। यह है रिसेप्शन है, यहाँ पर आवश्यक फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं, उसके बाद हमें रूम की ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। ये निराश रोगियों का तीर्थ स्थल है। हम रिसेप्शन पर आ गए हैं, आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी करके हमें रूम मिल जाएगा। यहाँ 4:30 बजे ही दिन शुरू हो जाता है। 5 बजे से प्रेयर, लोगों को घूमना, सुबह के 5:30 बजे हैं, यहाँ योगिक क्रिया करवाई जाती है, जल नेति, सूत्र नेति, वोमिट, आई वॉश। ये सब योगिक क्रियाएं हो रही हैं, कुंजल, जल नेति, आई वॉश। ये है योगा हॉल है, यहाँ 6 से 7 योगा करवाया जाता है सभी करीने से। ये प्राणायाम है, ये दीदी आराम से प्राणायाम करवा रही है। यह है यहाँ का भोजनालय है, सफाई से, अनुशासन से, व्यवस्थित रूप से सब खाना खाते हैं। ये सर एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, मैडम वाइब्रेशन कर रही है।
ये एक्सरसाइज करवा रही है मैडम। यह है एक्सरसाइज रूम है, यहाँ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर एक्सरसाइज करवाई जाती है। यहाँ रहने की बहुत उचित व्यवस्था है, जनरल वार्ड से लेके पिरामिड कॉटेज वार्ड एसी वार्ड सभी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिरामिड वार्ड है। यहाँ रूम अपनी बजट में मिलते हैं, 450 में भी है, 1000 वाला भी है, हम जिस तरह का भी लेना चाहें आराम से मिलता है। खुला ग्राउंड है, इस समय हम कॉटेज वार्ड में हैं। यहाँ पर भी रीजनेबल रूम मिलते हैं, 500, 400 एंड 700 वाले। सामने अच्छा खासा लॉन है, हरियाली है। ये चक्र भवन है, यहाँ एसी रूम्स मिलते हैं, कॉस्टली है लेकिन सुविधा है। आराम से लॉन बना हुआ है, बरांडा है। ये उपचार विभाग है, साधक साधिकाएं उपचार करवाते हैं, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है। अंदर की वीडियो लेना मना है। आज का मौसम बहुत सुहावना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ओम भवन की तस्वीरें हैं। यहाँ भी रीजनेबल रूम्स मिलते हैं, रूम्स के साथ साथ बेसिक ट्रीटमेंट का भी इसी में है। ये पार्किंग की सुविधा है, ये गौशाला जाने का रास्ता है। यहाँ घूमते भी हैं और हरियाली बेहद अच्छी है। नमस्कार, नमस्कार। ये हम लोग जयपुर के पास में बस्सी है, नवनीत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, यहाँ से बोल रहे हैं। हम लोगों ने 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया यहाँ पर और हम लोगों को बहुत आराम है। मुझे जोड़ों में दर्द की शिकायत थी, यहाँ का सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और जो भी फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर वगैरह सबका ट्रीटमेंट यहाँ होता है। और सात्विक फूड कम मिर्च मसाले का यहाँ पर दोनों टाइम मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, प्राकृतिक चाय मिलती है और प्राकृतिक चिकित्सा नवनीत चिकित्सा केंद्र सारी सुविधाओं से सज्जित प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और हमने ट्रीटमेंट यहाँ 15 दिन लिया, आज हम लोग जा रहे हैं। हम साधक साधिका हैं, फ्रेंड भी बन गए हैं और हमको स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा मिला है यहाँ पर। ठीक है जी, उधर थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू। आज हमारा वापसी का है, हम रिटर्न हो रहे हैं करीब एक महीने रुक के। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत बहुत ही बहुत अच्छा है। सामने गेट भी बहुत, सामने गेट के करीब हम निकल रहे हैं। ये मेन गेट है जिससे हम निकल रहे हैं। बस वी आर गोइंग टू जयपुर।